वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर बी डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक फेस वॉश का रिव्यू। वो कौन सी ब्रांड का है, उसको यूज करके आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। जिस फेस वॉश का रिव्यू आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है फ्रॉम द ब्रांड हिमालय। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिमालय के केसर फेस वॉश का रिव्यू, जो कि आपको कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मिल जाता है। और ये है हिमालय का नेचुरल ग्लो केसर फेस वॉश, जो कि आपको इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग बना देता है। तो चलिए पहले इस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, फिर मैं आपके साथ इसका एप्लीकेशन और आउटर इफेक्ट्स भी शेयर। बात कर ले सबसे पहले इसकी पैकेजिंग के बारे में, तो ये आपको कुछ इसी तरह की स्टैंडर्ड पैकेजिंग में मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें जो मैंने परचेज किया है वो है 100 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी, और इसका जो MRP है वो है 140 rupees, और इसमें आपको मिल जाती है 1 year की शेल्फ लाइफ। तो गाइस, बात कर ले अगर इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इसके जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है केसर और मिंट। केसर क्या करता है, केसर आपकी स्किन पे जितनी भी टैनिंग वगैरह है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है और आपको एक इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ इसमें है मिंट यानी कि पुदीना। पुदीना क्या करता है, आपकी स्किन को ना एक रिफ्रेशमेंट देने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट देने में हेल्प करता है। हिमालय काफी पुरानी ब्रांड है, काफी टाइम से हम इनके प्रोडक्ट्स को यूज भी करते आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं, और मैंने भी ये जो फेस वॉश है ना, मैं इसको रेगुलर यूज कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ये काम कर रहा है मेरी स्किन पर। और ये जो इसकी पैकेजिंग है ना, इसकी वजह से ये फ्लिपटॉप वाली जो इसमें पैकेजिंग है ना, इसकी वजह से ये ट्रैवल में कैरी करना भी बहुत ज्यादा इजी है। आप इसको इजीली ट्रैवल में भी कैरी कर सकते हैं, और इसको मेन एंड वुमेन सभी यूज कर सकते हैं, ऑफ ऑल स्किन टाइप्स इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसको यूज करने के बारे में, तो इसको यूज करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जैसे नॉर्मली आप किसी भी फेस वॉश से अपना फेस वॉश करते हैं, उसी तरह से आपको अपने फेस को वेट करके उसके बाद थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको अपने हैंड्स पर लेना है, और इसको अच्छे से फिर आपको एटलीस्ट 60 seconds तक अपने फेस पर मसाज करना है, और उसके बाद आप इसको नॉर्मली फेस वॉश कर सकते हैं। जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे अपना जो स्किन है ना वो थोड़ा सा ब्राइटन अप लगता है, और मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ये काम कर रहा है मेरी स्किन पर। और इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी अच्छे से ये ब्राइटन अप कर देता है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा रिफ्रेश कर देता है। क्योंकि अभी समर का वेदर चल रहा है, तो समर में ना वैसे भी हमारी जो स्किन होती है ना वो बहुत ज्यादा डल हो जाती है, तो उस टाइम पे हमें ऐसे ही फेस वॉश की जरूरत हो। बात करूँ अगर इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में, तो ये आपको कुछ इस तरह के टेक्सचर में मिल जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही हल्का सा लाइट पीच कलर का इसका टेक्सचर है, और बहुत ही इसका जो टेक्सचर है ना बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, बहुत ही जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सबल बना देता है। तो अगर आप कोई ऐसा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं ना, जिससे आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग भी बन जाए, आपकी स्किन को एक रिफ्रेशमेंट भी मिले और जो अफोर्डेबल भी हो, तो आप ये वाला जो फेस वॉश है ना ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो गाइज, अगर मैं अपना फाइनल रिव्यू दूं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि मैं खुद इस प्रोडक्ट को काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ये काम करता है आपकी स्किन को स्मूथ बनाने में, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने में, जितनी भी आपकी स्किन पर टैनिंग वगैरह है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और आपकी स्किन को एक बहुत ही इंस्टेंट ग्लो देने के साथ साथ बहुत ही अच्छा सा एक कूलिंग इफेक्ट भी देता है। तो अगर आप अपने लिए फेस वॉश परचेज करना चाहते हो, तो इसका परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर अगर आपके वहां पे कोई सुपरमार्केट वगैरह है तो वहां पे भी आपको ये फेस वॉश मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल है, ये टीनेजर्स भी इसको ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी इसको यूज किया है तो आपके साथ इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसको एक बिग थम्स अप दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा गाइस, अब अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे DM कर सकते हैं, दोनों के हैंडल्स मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं रील्स वगैरह डालती हूँ, फेसबुक में पोस्ट वगैरह डालती हूँ, तो वहां पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, आप मेरे चैनल पर और भी काफी सारे प्रोडक्ट रिव्यूज वगैरह देख सकते हैं, मेकअप लुक की वीडियोज, हॉल्स, और इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज भी स्टार्ट करी जिसका नाम है DIY Sundays, जिसमें मैं आपके लिए DIY स्क्रब, DIY फेस मास्क, DIY हेयर मास्क वगैरह की रेसिपी शेयर करती हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूंगी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।